पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 156 क्लॉज 3 जिसमें ये प्रावधान दिया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध के संबंध में कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में संबंधित पुलिस थाने जो जुरिसडिक्शन रखता है रिपोर्ट करने जाता है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष जब वो जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा कुछ आवश्यक प्रश्न उससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले धारा 156 क्या कहती है और 156(3) में क्या प्रावधान है। 156 संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति है। इसका क्लॉज 3 कहता है धारा 190 के अंतर्गत सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश दे सकता है। अब 190 का जहां तक प्रश्न है, धारा 190 ये कहती है कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराध का संज्ञान कब लिया जाएगा। इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट विशेषतया सशक्त किया गया सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। उन तथ्यों का जिसमें ऐसा अपराध बनता है या परिवाद प्राप्त होने पर कंप्लेंट या ऐसे तथ्यों के बारे में कोई पुलिस रिपोर्ट पर या पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्ति शिथिला पर या स्वयं किस जानकारी पर ऐसा अपराध किया गया या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों जिसकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है संज्ञान करने के लिए उसे सशक्त करता है। इसमें मुख्य तौर पर इस वीडियो को बनाने का मेरा प्रयोजन यही है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें कि मजिस्ट्रेट द्वारा जब धारा 156(3) CRPC के अंतर्गत कोई भी मामला उसके समक्ष आता है तो वो सबसे पहले कुछ प्रश्न पूछता है। एक तो सबसे पहला, जब आपकी FIR थाने में नहीं लिखी गई है, 156(3) की कंप्लेंट करने मजिस्ट्रेट द्वारा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलिस जब FIR लिखने से मना कर देती है कोर्ट में 156(3) CRPC हमारी रिपोर्ट पर यदि पुलिस ने FIR नहीं लिखी है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस IPC में अधिकांश ऑफेंस शेड्यूल 1 में कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध दिए गए हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है और इस कॉग्निजेबल या संज्ञेय अपराध में FIR लिखना पुलिस की प्राथमिक ड्यूटी या मैंडेटरी है पुलिस के लिए। यदि वो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं संबंधित थाने का भारसाधक अधिकारी तो उसमें FIR में ही ये प्रावधान है कि आप उसकी सूचना कोई वरिष्ठ अधिकारी जो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर है उसको आप देंगे। ये भी मैंडेटरी है, मजिस्ट्रेट आपसे पूछेगा कि आपने वरिष्ठ अधिकारी को जो कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी रिपोर्ट आपकी नहीं लिखी गई थाने में क्या उनको सूचना दी, लिखित दी, जिसमें DSP हो सकते हैं, SP हो सकते हैं, IG हो सकते हैं, DGP तक के अधिकारी हो सकते हैं। तो पुलिस को वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देना आवश्यक है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तीसरा है पुलिस तहकीकात की जरूरत, कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट थाने से एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाएगा आपकी रिपोर्ट पर से क्या कार्रवाई उसने की या नहीं की, क्रिमिनल मामला है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इन्वेस्टिगेशन आगे अगर FIR रजिस्टर्ड हो गई है तो उसकी रिक्वायरमेंट है ये बताना होगा कि इन्वेस्टिगेशन FIR नहीं लिखे जाने पर नहीं हुआ है, नहीं शुरू किया गया है। कंप्लेंट केस में आप धारा 202 CRPC के तहत तो सबसे पहले ये तीन चीज़ें FIR यदि आपकी नहीं लिखी गई है ये आपको बताना पड़ेगा और इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कि FIR लिखना पुलिस की ड्यूटी थी उसके द्वारा नहीं लिखी गई, वरिष्ठ अधिकारियों को आपके द्वारा लिखित सूचना दी गई उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तीसरा कॉग्निजेबल ऑफेंस की रजिस्ट्रेट के रिपोर्ट के संबंध में पुलिस से तहकीकात की जाएगी, उससे एक्शन टेकन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट मंगाएगा और उसके बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा। इस प्रकार मजिस्ट्रेट को धारा 190 CRPC के तहत सशक्त किया गया है, वो अन्वेषण का आदेश पूरी जाँच करने के बाद दे सकता है। ये धारा 156(3) CRPC अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी को शक्ति देती है। तो मैंने ये सरल भाषा में आपको इस वीडियो में धारा 156(3) CRPC के संबंध में बताने का प्रयास किया। मैं इस चैनल पर नए नए वीडियोस तथा कानून जानकारी लाकर आपका कानूनी ज्ञान बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर करें, दोस्तों मित्रों को भेजें, परिचितों को भेजें। इस चैनल पर मुझे आपका भरपूर स्नेह मिल रहा है। मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, आपका आभारी हूँ और
देश का कानून हर व्यक्ति नागरिक को, लॉ स्टूडेंट्स को, मजिस्ट्रेट को, वकीलों को, जजेस को, सभी को जानना चाहिए, आम नागरिक को भी जानना चाहिए, जिससे वो सशक्त होगा, भारत देश सशक्त होगा। इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो में आज यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।